Hello Asper. हेलो बच्चा लोग कैसे हैं आप सभी लोग आई होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल आई शफाली बोरगाटर वेलकम्स यू ऑल इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एडियो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंथ एन का पॉलिटी का चैप्टर टू दैट इज फेडरलिज्म ये वर्ड तो सुना सुना सा लग रहा है एग्जैक्टली exactly. ये हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग के अंदर जो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था टेंटेंसीआर NCERT का उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था ये फेडरलिज्म वर्ड कहाँ पे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर देखेंगे देखेंगे आराम से देखेंगे और पता है इसको हमने ये वर्ड को कहाँ देखा है एट्थ क्लास में भी देखा है अगर आप लोगों को याद हो तो चलिए सो आई यू पीपल रेडी एक्साइटेड चले आगे चलिए चलते हैं फेडरलिज्म को स्टार्ट करने से पहले ना एक एट्थ में जो आपने पढ़ा था ना उस लेवल की थोड़ी सी डेफिनेशन लेते थोड़ा सा समझते हैं उस लेवल को लेके ठीक है फेडरलिज्म एक्चुअल में क्या होता है एकदम रफ आइडिया देखे तो किसी भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर अगर दो तो या दो तो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट वर्क कर रही हैं और आपस में पावर शेयर कर रही हैं देन सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट और इस सिस्टम को कहते हैं फेडरलिज्म बहुत बेसिक चीज बनाइए बहुत बेसिक ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट अगर ऐसे हाथ मिला ले पक्की दोस्ती कर ले कि हम एक दूसरे के साथ पावर शेयर करेंगे दैन सच गवर्नमेंट और सच गवर्नमेंट इस कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट और इसी सिस्टम को कहेंगे फेडरलिज्म आप लोग सोच रहे होंगे मैम कुछ भी समझ नहीं आया अब भी आ जाएगा ठंड पाओ थोड़ा रुक जाओ आगे की पूरी स्लाइड्स में फेडरलिज्म ही है चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में पावर शेयरिंग में हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़े थे जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था बचा लो वर्टिकल पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग ठीक है पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को एक रिकैप की तरह देखते हैं ठीक है क्या होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में तीन लेवल में डिवाइड थी पावर्स दैट इज लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में लेजिस्लेटिव जो लॉ बनते थे और एग्जीक्यूटिव uh, जो लॉ इम्प्लीमेंट करवाते थे और जुडिशरी जो लॉ नहीं मानते थे उनको क्या करते थे पनिश करते थे इंक्लूड्स हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ठीक है अब हम देखते हैं वर्टिकल डिविजन ऑफ़ पावर वर्टिकल मतलब खड़ा ठीक है तो इस टाइप के डिविजन ऑफ पावर में क्या होता है इसके अंदर आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और इंडिया में थर्ड लेवल भी आता है दैट इज़ लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट ठीक है इनके बीच में कैसे पावर शेयर होता है ये तो हमने देखा था आगे अब हम देखेंगे कि इस टाइप की गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है ठीक है इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई है ओके okay. इस चीज में हम एक कुछ स्टोरीज को भी लेंगे ये सब के थ्रू हम फेडरलिज्म को आगे पढ़ेंगे ठीक है अब हमने इस चैप्टर में फेडरलिज्म को अभी तक बहुत जनरल वे में डिस्क्राइब किया है हम रेस्ट चैप्टर को पूरी थ्योरीज और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे ओके चलिए देखते हैं और लास्ट में इसके जब हम इसको पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो अंतिम छोर पर जाके हम इसकी एक लोक एक नए आयाम को देखेंगे एक नए एस्पेक्ट को देखेंगे दैट इज लोकल गवर्नमेंट को देखेंगे ठीक आगे चलते हैं चलिए अब बात ये फेडरलिज्म की बात और ये थोड़ा टेंथ लेवल की डेफिनेशन है ठीक है इसमें हम देखेंगे कि फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरलिज्म गवर्नमेंट को चलाने का एक तरीका है जिसमें पावर जो होती है मतलब गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को गवर्नमेंट अपनी सत्ता को जो है वो डिवाइड करती है बचा लो पावर को डिवाइड कर दिया किसके बीच में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्लियर क्या होता था पहले पहले ना सारी पावर बचा लो राजा के पास हुआ करती थी राजा अपने पावर किसी को नहीं देता था लेकिन समय बदला और क्या हुआ एक नया स्ट्रक्चर सामने आया हमारे पास गवर्नमेंट को चलाने का जिसका नाम था फेडरलिज्म इसमें क्या हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेन गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया ठीक है किसके बीच में स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में और फर्दर फिर लोकल लेवल लोकल लेवल गवर्नमेंट के बीच में इससे क्या हुआ क्यों किया इससे क्या हुआ थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट का बर्डन कम हुआ और स्टेट गवर्नमेंट को भी लगने लगा कि हाँ भाई हम कुछ हैं कंट्री में ठीक है तो इससे बहुत स्मूथ स्मूथली हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री चलने लगी है ना आगे देखते हैं अभी हमने देखा फेडरलिज्म के दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और तीन भी हो सकते हैं दैट इज गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल जो पूरी कंट्री के लिए है और दूसरा है गवर्नमेंट एट द प्रोविंसेस और स्टेट लेवल बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं होना प्रोविंसेस एंड स्टेट आर वन इन द सेम थिंग स्टेट्स को ही प्रोविंसेस कहा जाता था लेकिन अब हम उसे स्टेट कहते हैं ठीक है बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन्जॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ये जो गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पे और गवर्नमेंट है द प्रोविंस लेवल पे ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं नहीं दोनों ही की अपनी ऑटोनॉमी है दोनों ही इंडिपेंडेंट है ओके okay, आगे देखते हैं कि एक, एक वर्ड है बचा यूनिटरी गवर्नमेंट जो फेडरलिज्म के अपोजिट है फेडरलिज्म क्या होता है कि पावर शेयर होता है बिटवीन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या दो से ज्यादा लेकिन यूनिटरी में सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है आइए देखते हैं ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट में दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है ठीक है अभी हमने बात की और जो यूनिटरी रहती है इसमें एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी यूनिट्स होती हैं पर सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास होता है यूनिटरी में क्लियर आगे देखते हैं कि द फेडरल में देखते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नाट ऑर्डर द स्टेट टू डू सम सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट को ऑर्डर नहीं करेगा कि स्टेट तुम ये करो स्टेट तुम ये करो नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा फेडरलिज्म में लेकिन यूनिट्री में ऐसा होगा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोवेंसेज और लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगी कि स्टेट गवर्नमेंट के लोग आप लोग ऐसा करिए आप लोग वैसा करिए ऑर्डर निकाल के देंगी क्लियर अब बात आती है फेडरल गवर्नमेंट की वापस से फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दिए गए हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हर बात के लिए आंसरेबल नहीं होगी क्लियर ओके okay. आगे देखते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास यहाँ पे थे हम द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम इसमें क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होती है वह चलो सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में लेकिन फेडरल में ऐसा नहीं है इट हैज ऑल द पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे इस समझ में सेंट्रल की महानता है।, है फेडरल में दो लेवल में चीजें सारी डिवाइडेड है नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं बच्चा लोग क्या फीचर्स देखते हैं सबसे पहला तो हमने देखा फेडरलिज्म में दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है ठीक दो तो हमें पता चल गया कौन सी दो हैं एक नाम सेंट्रल गवर्नमेंट है एक स्टेट गवर्नमेंट है लेकिन इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे इतनी सारी पॉपुलेशन है इसके लिए हमको एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट लगी दैट इज लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट ठीक लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है ग्राम पंचायत है पंचायत राज इंस्टीट्यूट है ठीक है तो ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जिसके बारे में विल इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स स्टाडीड इसका फीचर है डिफरेंट डिफरेंटर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच हैज इट्स ओन जोरिस्टिक्शन इसका मतलब पता है क्या होता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट सेम सिजन को गवर्न कर रही है लेकिन उनके अपने अपने दायरे हैं अपनी अपनी उसके एरिया हैं जुरिस्डिक्शन मतलब होता है एरिया इसको ना एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं कि पहले हम जुरिस्डिक्शन समझते हैं कि जुरि जुरिस्टिक्शन होता क्या है बच्चा लोग क्या है कि आप लोग सपोज एक गेम खेल रहे हो ठीक है आप गेम खेल रहे हो आ, कौन सा हाइड एंड सीख खेल रहे हो ठीक है ये आपका है ये आपका प्ले ग्राउंड है ठीक है ये हो गया आपका प्ले ग्राउंड आपने ना अपने फ्रेंड से बोला कि इतने बड़े एरिया में हमको सिर्फ यहीं तक खेलना है सिर्फ इतने प्ले ग्राउंड में ही खेलना है ठीक है ना तो ये हो गया क्या जुरिस्ट्रिक्शन एरिया आपका कि आपको इससे आगे बढ़ के नहीं खेलना है ठीक है इन द सेम वे गवर्नमेंट क्या बोलती है जैसे समझ लो गवर्नमेंट के पास दो प्लेयर्स ये इस, इस गेम में दो प्लेयर्स है कोई भी गेम ले लो कबड्डी यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं आपने बोला इन प्लेयर्स को कि यहां इतने इस एरिया से आगे नहीं जाना नहीं तो आप आउट माने जाओगे पनिश किए जाओगे और इन लोगों को बोला आप इस एरिया से ज्यादा नहीं जाना आप लोग पनिश किए जाओगे इन द सेम वे सेंट्रल गवर्नमेंट के इस दायरे में इतने पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट इसकी इतने इतना एरिया है वर्क करने का इसको कहते हैं जुरिस्ट्रिक्शन होप समझ में आया ओके okay. अभी हम देखते हैं कि डिफरेंट ईयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीज़न इसका मतलब क्या होता है लेट्स hmm, सपोज कि मैं एक सिटीज़न हूँ ठीक है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपको याद है याद हो तो डिमोनीटाइजेशन क्या था याद तो होगा ही भाई कितनी दिक्कतें हुई थी उस समय पर खैर वो एक मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स कुछ अच्छा भी था वो डिसीज़न कुछ ठीक वो कुछ प्रॉब्लम भी हुई इसमें ठीक है अब क्या हुआ था कि जब डिमोनिटाइजेशन हुआ था तो मैं एक सिटीज़न हूँ मैं रहती मध्य प्रदेश में तो मुझे तो इसका इफेक्ट पड़ा और बहुत सारे लोगों को पड़ा हर स्टेट के इवन लोगों को पड़ा ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो डिसीज़न मुझ पर इफ़ेक्ट किया इन द सेम वे अगर मेरे स्टेट की गवर्नमेंट कुछ डिसीज़न लेगी तो उसका भी इफेक्ट मुझ पर पड़ेगा ठीक लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे स्टेट के लोगों पर पड़े है ना तो सेम सिटीज़न पे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्या करती हैं इफेक्ट करती हैं ठीक है लेकिन उनके अपने अपने जरिस्डिक्शन हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो सिर्फ बैंकिंग uh, कम्युनिकेशन इन सब पे करेंसी डिमोनिटाइजेशन का ठीक है इन सब पे क्या लेगी डिसीजन लेंगी लेकिन वहीं स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो पुलिस एग्रीकल्चर इरिगेशन इन सब चीजों पे क्या लेंगी डिसीजन लेंगी तो ये उनके जोरिस्टिक्शन हुए ये एरिया हुआ इस पर वो वर्क करेंगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एरिया में वर्क करेंगे लाइक कम्युनिकेशन करेंसी ये सब उनका एरिया है ठीक है आगे देखते हैं द जुरिस्टिक्शन ऑफ ईच लेवल स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या वर्क करना है कितना वर्क करना है और कितने एरिया में रह के वर्क करना है ये सब किस में मैंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भूले तो नहीं हो नाइन्थ क्लास की चीज़ों को होप नहीं भूलेंगे लेकिन फिर भी एक बार हम रिकॉल करा देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एक रूल बुक होती है बेसिकली एक रूल बुक होती है जिसमें हर चीज़ें मैंशन होती हैं तो वही और लोग उसको मानते भी हैं तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज भी मैंशन है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या जोरिस्ट्रिक्शन होंगे ओके चलिए देखते हैं आगे द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बी चेंजड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब जो बिल्कुल मौलिक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग द पावर शेयरिंग रिगार्डिंग द फेडरल स्ट्रक्चर वो सभी चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू एग्ज़ाम्पल uh, स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हमको थोड़े और ज़्यादा पावर मिले या हमको कुछ इस ये एरिया जैसे हम बैंकिंग वाला एरिया हमारे अंदर आ जाए तो और वो चले जाएँ कॉन्स्टिट्यूशन uh, में चेंज करने के लिए तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है एक कोई लेवल को एक कोई लेवल की गवर्नमेंट को चाहे और ऐसा जल्दी से हो जाए ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है क्लियर नेक्स्ट देखते हैं ज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू मतलब स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कितना पैसा कहाँ से कमाना है किन किन लोगों के ऊपर कितना टैक्स लगाना है ये सब भी मैंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है इससे क्या होगा इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा बिटवीन सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में है ना नेक्स्ट देखते हैं ये हम फीचर्स को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखो बच्चा क्या हो जाता है कि कभी कभी आ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनको कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के समझ नहीं आते हैं या समझने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है इन दैट केस हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो ये बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था है ना और ये इंटरप्रेट करे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन्स क्या बोलना चाह रहे हैं एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट और ये बताए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारे ना ये ये पावर्स हैं इन्हीं पे काम करो स्टेट गवर्नमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को समझाएंगे कि भाई ये ये पावर्स हैं इन पे काम करो इससे क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होंगे बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट समझ आया अब चलो ओके नेक्स्ट देखते हैं द फेडरल सिस्टम हैज ड्वेल ऑब्जेक्टिव फेडरल सिस्टम फेडरल सिस्टम मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो सिस्टम होता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट दो दो होती हैं इसके पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा क्या ऐसी सोच रही होगी तो इसके पीछे के दो ऑब्जेक्टिव थे पहला ऑब्जेक्टिव था टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री हमारी कंट्री को सेव मतलब सुरक्षित रखना और उसको प्रमोट करना उसकी यूनिटी को कंट्री की यूनिटी को कंट्री की एकता को प्रमोट करना ये एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा था किसका रहा था मेन ऑब्जेक्टिव ये मेन ऑब्जेक्टिव था फेडरल स्ट्रक्चर के पीछे का ओके नेक्स्ट देखते हैं एकमेडी रीजनल डाइवर्सिटी डायवर्सिटी बचलो हमारी कंट्री में ना बहुत डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के बेसिस पे रिलीजन के बेसिस पे कल्चरल बेसिस पे बहुत डाइवर्सिटी बहुत डाइवर्सिटी मतलब बहुत विविधता और डिफरेंसेस हैं ऐसी सिचुएशन में कंट्री को एक साथ लेके चलना कैसे पॉसिबल है तो वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू कि स्टेट गवर्नमेंट अपना अपने कंट्री अपने अपने स्टेट को देखे अपने अपने स्टेट की डाइवर्सिटी को समझ के डिसीजन ले और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जगह अपना काम करे ठीक है तो इससे क्या होगा रीजनल डाइवर्सिटी प्रॉपरली रीजनल डाइवर्सि डायवर्सिटी के साथ कंट्री अच्छे से वर्क कर पाएगी क्लियर आगे देखते हैं एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज टू एस्पेक्ट एक अच्छे फेडरल सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं ठीक है वो दो चीज़ें क्या होती हैं फर्स्ट वन इज म्यूचुअल ट्रस्ट म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनको जो जो जरिस्टिक्शन मिले हैं जो जो उनके एरिया ऑफ वर्क हैं जोरस्टिक्शन मिले एरिया ऑफ वर्क जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के एरिया ऑफ वर्क हैं वो म्यूचुअली एक म्यूचुअल म्यूचुअली कोऑर्डिनेशन के साथ अपने अपने एरिया में वर्क करें विद ट्रस्ट ठीक है ये हो गया म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर में एक मतलब एक बोल सकता है मोरल एस्पेक्ट है कि दोनों ही एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हम लोग साथ, -साथ मिलकर काम करेंगे और पूरी कंट्री को एक साथ ले चलेंगे ठीक है तो ये दो हमारे क्या थे एक आइडियल फेडरल सिस्टम के दो आस्पेक्ट्स थे ठीक नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशन फेडरेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं फिर से बता रही हूँ फेडरेशन क्या होता है ऐसी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट का दो लेवल या दो से ज्यादा लेवल में डिवाइड होना अपने पावर को भी डिवाइड करना ये होता है फेडरल सिस्टम अब इसके कितने टाइप्स हैं कौन से कौन से तरीक़ों से फेडरल सिस्टम हो सकता है तो फर्स्ट वन इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन कमिंग टुगेदर फेडरेशन नाम से ही समझ आ रहा है को, कोई आया होगा और फेडरेशन बनाया होगा इन द सेम वे क्या हुआ था कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट आई थी ठीक है और वो एक बिगर यूनिट में मिल गई एक कोई बड़ा स्टेट रहा होगा बहुत सारे स्टेट आए उसके साथ जुड़ गए ठीक है फिर से बता रही हूँ एक बड़े यूनिट के साथ बहुत छोटी छोटी छोटे छोटे स्टेट्स आके मिल गए ठीक है या हुआ कमिंग टुगेदर फेडरेशन ये आगे इसमें देखते हैं ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स और ये जो स्टेट बहुत सारी स्टेट आके बिगर यूनिट्स में मिले इसके पास पावर्स थे और इसके पास सेम पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी पावर्स थी भाई ये तो बहुत सही चीज़ है मैम तो हाँ भाई ये तो सच में बहुत सी चीज़ है ठीक है और ये सिस्टम कहां फॉलो किया गया था कमिंग टुगेदर फेडरेशन का यूएसए में यूएसए में स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में इसको अगर हम एक इजीली इसको याद करने का तरीका है यूएसए यू फॉर यूएसए इसको ऐसे देखते हैं यू एस ए देखो यू फॉर हो गया यूएसए ठीक है एस से हो गया स्विट्जरलैंड और ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया सही है ना बढ़िया इसका ऐसे याद रखना यूएसए के थ्रू ओके तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एक एग्जाम्पल था ठीक है फिर से बता रही हूँ कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या हुआ था एक बड़ी यूनिट में बहुत छोटी छोटे 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 स्टेट्स आके मिल गए थे इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन नेक्स्ट आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है कि लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स एंड सेंटर इसका मतलब ये था कि एक लार्ज कंट्री जैसे इंडिया एक लार्ज कंट्री है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बर्डन आ रहा था इतनी पॉपुलेशन को कैसे लेके चलेंगे साथ में ये तो पॉसिबल नहीं था ना तो गवर्नमेंट ने क्या किया स्टेट में अपने पावर डिवाइड किए और फर्दर और लोकल गवर्नमेंट में आगे ठीक है तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब साथ लेके चलना कंट्री को कैसे हमारे पावर्स को डिवाइड करके ठीक है इसमें क्या होता है सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल होता है ठीक है देन स्टेट्स लेकिन हमने कमिंग टुगेदर में क्या देखा था स्टेट्स के पास भी पावर होती हैं और इवन सेम पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ठीक आगे देखते हैं कॉन्स्टिटेंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैक्वल पावर यूनिट्स ऑफ फेडरेशन जो वही हमारे स्टेट होती हैं उनके पास अन एकअल पावर होता है एकदम एकअल पावर में होता है सेंट्रल की तरह ओके okay. इसका एग्जाम्पल है इंडिया इंडिया में सेंट्रल uh, है मतलब स्ट्रोंग है ठीक है स्पेन हो गया बेल्जियम हो गया है हमारी कंट्री के लिए ऐसा बोला जाता है ऑल दो वी हैव फेडरल सिस्टम बट बट विथ यूनिट्री टिल्ट हमारा ना बट विथ सेंट्रल टिल्ट बोल सकते हैं हम कि हमारी कंट्री में थोड़ा सा फेडरेशन तो है लेकिन थोड़ा सा सेंट्रल की तरफ झुकाव ज्यादा है इंस्टीड ऑफ इक्वल पावर शेयरिंग आगे देखते हैं तो आई होप समझ आ गया कि आ, इंडिया स्पेन और बेल्जियम में इसको ना इसको भी छोटे शॉर्ट्रिक से याद करते हैं चलो तो ऐसे याद करते हैं आई एस बी से ठीक है आई एस बी क्या है इंडिया स्पेन बेल्जियम से ठीक है यूएसए क्या है यूएसए स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये एग्जाम्पल है कमिंग टूगेदर फेडरेशन के आगे देखते हैं बचालो वॉट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री क्या ऐसी चीज थी जिसने इंडिया को एक फेडरल कंट्री बना के रख दिया चलिए देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है समझिएगा अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया कि स्टेट्स को मिला के जो एक यूनिट बनी है वो कहलाई है इंडिया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वह लोग एक रूल बुक है में हर चीज़ मैंशन है और लोगों को उसे मानना पड़ता है ऑल दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी सुप्रीम रूल बुक में ये कहीं पे भी वर्ड फेडरेशन मेंशन नहीं है इसको प्लीज़ 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 आप लोग याद रखिएगा कि फेडरेशन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है इस लेकिन ये कैसे समझेंगे फिर हम कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो बच्चा लोग हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि जो इंडिया में वर्क किया जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में जैसा डिवाइड किया गया है पावर को वो पावर देख के लगता है कि यस इन इंडिया वी हैव हाँ फेडरल सिस्टम

चीजें सब प्रॉपरली मैनेज हो जाएगी लेकिन धीरे-धीरे-धीरे बढ़ने लगी तो ये manageable नहीं हो रहा था कि सेंट्रल क्या करे, सारी कंट्री को साथ में लेके चले छोटे छोटे मतलब गांवों तक पहुंच सके तो इस वजह से क्या हुआ बाद में चल के एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनी दैट इज लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट ठीक है आगे बात करते हैं लेटर द थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड दैट इज़ पंचायत एंड म्यूनिसपाल्टिटी बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत और म्यूनिसपाल्टिटीज़ को एड किया गया नेक्स्ट है डिफरेंट ईयर एंजॉय सेपरेट सेपरेट जुरिस्टिक्शन जितने भी एरिया जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज सेंट्रल स्टेट और थर्ड वन इज़ लोकल लेवल इन सब के अपने अपनी जुरिस्टिक्शन है दैट इज एरिया ऑफ वर्क ऑफ थ्री लेवल्स ठीक है ऑफ ऑल थ्री लेवल्स हम बोल सकते हैं आर सेपरेट क्लियर कोई भी एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करता है सबके अपने अपने डिफरेंट एरिया है और वो लोग उसी के साथ वर्क करते हैं नेक्स्ट देखते हैं थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजि पावर लेजिस्लेटिव पावर को कैसे थ्री फोल्ड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया मतलब कैसे तीनों लेवल की गवर्नमेंट को ये पता है कि हमें क्या क्या काम करने हैं तो ये कुछ लिस्ट बनी हुई है लिस्ट मतलब कुछ सब्जेक्ट है कि इनको इतना वर्क करना है इनको इतना वर्क करना है इनको इतना वर्क करना है ये सब लिस्ट में मैंशन है एक लिस्ट है यूनियन की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट है अब सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन लिस्ट में कौन सी कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं ओके तो देखिए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो पूरे नेशनल लेवल पे कुछ चीजें जो इफेक्ट कर दी वो सभी चीजें यूनियन लिस्ट में लिखी गई हैं या मैंशनड है सेकेंड है नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी टूगैदर फॉर अ कंट्री एक हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए सारी कंट्री को रन करने के लिए वो सब चीजें इस यूनियन लिस्ट में दी गई हैं थर्ड वन इज यूनियन गवर्नमेंट अलून कैन मेक लॉस ये लिस्ट में वो सब्जेक्ट मतलब ये जो सब चीज़ें दी गई हैं ये जो सारी चीजें दी गई हैं इस पर जो वर्क करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो लॉज बना सकता है इन सारे सब्जेक्ट पे वो है सेंट्रल गवर्नमेंट ओके इस पर कोई और स्टेट की गवर्नमेंट आके या पॉलिसी बना जाए ना 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 ऐसा नहीं होगा इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है इन सब्जेक्ट्स पे वो सारे सब्जेक्ट हैं फॉरेन अफेयर्स बैंकिंग करेंसी डिफेंस फ़ॉरेन अफेयर्स बैंकिंग करेंसी और डिफेंस इसलिए जो मॉनिटाइजेशन डी का डिसीजन था वो किसने लिया था वो किसने लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया था ओके नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट हैं जो लोकल और स्टेट लेवल पे इम्पोर्टेंट है स्टेट लेवल स्टेट के लोगों को जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा वो सारी चीजें दी हैं स्टेट लिस्ट में ठीक है जैसे पुलिस हो गया ट्रेड हो गया एग्रीकल्चर फिर से बता रही हूँ पुलिस ट्रेड एग्रीकल्चर ये सारे सब्जेक्ट इसमें थे स्टेट लिस्ट में थे इस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी और जोरिस्डिक्शन डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इसमें क्या होता है कि क्या क्या एरिया पे वर्क करना है ये सारे स्टेट टू स्टेट जैसे हमारे ट्वेंटी एट हैं हर जगह ये डिफरेंट डिफरेंट है ओके okay? देख, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है ऐसे सब्जेक्ट जिसके बारे में ना यूनियन लिस्ट में दिया गया है ना ही स्टेट लिस्ट में दिया गया वो होते हैं कॉन अब बात आई कि भाई ऐसे सब्जेक्ट जो दोनों ही जगह मेंशन नहीं है तो उनपे लॉज कौन बनाएगा तो जो लॉ मेकिंग का राइट right है वो दोनों को है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये राइट right दिया गया है कि दोनों ही क्या बना सकते हैं लॉज इम्प्लीमेंट कर लॉज बना सकते हैं ठीक है कॉन्ेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में अगर लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तो हमेशा हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ दिए गए हैं वो फॉलो किए जाएंगे ठीक है इन सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो उसमें इंक्लूड है एजुकेशन फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन फिर से बता रही हो एजुकेशन फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा नेक्स्ट इज रेसिटरी सब्जेक्ट देखोगा चलो क्या हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स को ये नहीं पता था कि आगे जाके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या आई टी ये सब इतना डेवलप हो जाएगा इस वजह से इन सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉज बनाने के राइट हैं वो दिए ही नहीं गए थे ना तो सेंट्रल को ना स्टेट को ऐसे में बाद में एक रेसिजरी सब्जेक्ट नाम से टाइटल दिया गया और इसमें अंदर वो सारे मैटर थे जो टाइम के साथ साथ चीज़ें बदली तो उन चीज़ों पे लॉ बनाने का हक हाँ किसको दिया गया यूनियन गवर्नमेंट को याद रखिएगा रेसिटरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय नहीं आए थे बट समय के साथ साथ वो चीजें आई इस वजह से इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ये पावर शेयरिंग के जो हमने अरेंजमेंट करके रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं आइए देखते हैं

खुद से चाहे अगर खुद से चाहें चाह। चाह। कि हम अपनी पावर ना बढ़ा लेते हैं इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ा लेते हैं और चेंजेस कर दे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा पॉसिबल नहीं है बच्चे लोग ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ठीक इसके लिए अगर चेंजेस करने हैं तो क्या करना होगा याद रखना ये दो चीज़ें दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव द वेरी फर्स्ट वन इज अगर कोई चेंज करने हैं तो सबसे पहले जो दोनों हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के दैट लोअर हाउस लोकसभा एंड अपर हाउस राज्यसभा उसमें जो टू थर्ड मेजोरिटी है ठीक है वो लोग को हाँ कहना होगा कि हाँ हमें चेंजेस करने हैं ठीक है अपर हाउस लोकसभा और सॉरी अपर हाउस राज्यसभा एंड लोअर हाउस लोकसभा इन दोनों में ही मेजॉरिटी जो होगी जितने भी लोग हैं उसके टू थर्ड लोग हाँ बोलना चाहिए कि हाँ हमें चेंजेस करने हैं फॉर एग्जाम्पल टू थर्ड लोग प्रेजेंट है ठीक है उसका थ्री हंड्रेड th लोग हैं उसमें टू थर्ड लोग अगर बोलते हैं टू थर्ड हो गया टू हंड्रेड टू हंड्रेड लोग तीन सौ लोगों में राजी होते हैं चेंजेस करने के तो ही चेंजेस होंगे नहीं तो चेंजेस नहीं होंगे सेकेंड थिंग जो लेजिस्लेचर uh, है लेजिस्लेचर स्टेट state की स्टेट्स की हाफ स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट में जो छोटी छोटी मतलब स्टेट की विधानसभा में बोल सकते हैं लेजिस्लेचर को वो लेजिस्लेचर क्या करना चाहिए हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स राजी होने चाहिए चेंजेस करने के लिए ठीक टोटल स्टेट्स हमारे हैं ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट में से फोर्टीन स्टेट्स जो हैं उनके लेजिस्लेचर को हाँ बोलना होगा कि हाँ हमें चेंजेस करने हैं तभी जाके पार्लियामेंट में तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होंगे रिगार्डिंग पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ जुडिशरी इन सब में जुडिशरी अभी तक छुपी हुई थी पर्दे के पीछे थी अब हम बात करते हैं जुडिशरी की जुडिशरी मतलब जुडिशरी इंक्लूड सेंट्र सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ठीक है इनको देखते हैं ओवर सींग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर जुडिशरी का काम है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट करवाना कि भाई ये ये चीज़ें मैंशन थी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अकॉर्डिंग वर्क करिए ये कहना ये किसका काम है जुडिशरी का काम है और अगर कभी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो वो सेटल्ड होंगे बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं रिगार्डिंग पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो इन सब के बीच में जुडिशरी आएगा दैट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आएंगी और इन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके चली जाएंगी ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट का क्या रोल है the union or state government have the power to raise resources by levying taxes this helps them to carry out their responsibility central or state government ko ye adhikar diye hain ki wo log taxes laga sakte hain logo par revenue collect kar sakte hain और जो उनकी responsibility है like road बनाना और पानी provide करना etc etc street light लगाना ये सब चीज़ें उन्हीं के पैसे लेके use करना है आपको ये किसको बोला गया है गवर्नमेंट को बोला गया है ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट कर ले और अपने पर्सनल यूज़ में लगाए नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वो ही पैसा लोगों के काम में आना चाहिए नेक्स्ट है हाउ इस फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया ये फेडरलिज्म स्ट्रक्चर कैसे प्रैक्टिस में लाया जाता है कैसे इसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बनाया जाता है देखते हैं देखो आ, फेडरलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर देने से सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देने से लोग मान रहे हैं ऐसा नहीं है इसके पीछे बहुत बड़ी एक चीज़ है छुपी हुई है जो है नेचर हमारी डेमोक्रेसी का नेचर ऐसा है बच्चा लोग कि फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है हमारी कंट्री में कैसे कि हमारी कंट्री में हम लोग क्या हैं रिस्पेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी को हमारी कंट्री में कितनी डाइवर्सिटी है एक तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इतनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की बेसिस पे डायवर्सिटी है और एथनिसिटी और और हम बोल सकते हैं हमारे पहनावा अलग अलग हर चीज़ें कितनी अलग है हमारी कंट्री में हम सभी एक दूसरे की चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे डिज़ायर है कि हम सब साथ में मिल रहें ठीक है शेयर एंड बिकम द शेयर आइडल्स इन आवर कंट्री ठीक है अब देखते हैं इन सब चीज़ों के साथ ही फेडरल स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है लेट्स सी दिस देखो क्या हुआ था कि हमारे स्टेट को हमारी कंट्री को सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया गया था ठीक है कैसे हमारे कंट्री को डिवाइड किया गया ये देख रहे हैं हम तो क्या था कि लैंग्वेज लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड किया गया था दिस वाज द मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री इन 1947 बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर चेंज टू क्रिएट न्यू स्टेट्स सेवरल जो पुराने स्टेट्स हैं उनको नए चें जब 1947 के पहले का भारत कुछ और था पार्टीशन के पहले का फिर तो पार्टीशन के बाद पार्ट का कुछ और हुआ फिर स्टेट की जो बॉर्डर से उसको हमने चेंज किया अब क्या हुआ कि लोगों हमने सबकी बॉर्डर बना दी कि ये स्टेट इतना रहेगा स्टेट इतना रहेगा तो ये किस बेसिस पे हुआ था तो ये लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ था जो सभी लोग एक जैसी लैंग्वेज बोलते थे उनको एक तरफ किया गया जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती थी गुजरात में गुजराती बोली जाती है तो उन लोगों को सबको अलग अलग किया ठीक है ज़रूरी है हमने सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे किया क्या बोला मैंने हमने सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे किया था आ, हमारी बाउंड्री को डिसाइड ऐसा नहीं था हमने कल्चरल एथेनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पे भी डिवीजन किए थे इस बेसिस पे तीन स्टेट बने थे जो थे नागालैंड उत्तराखंड और झारखंड याद रखिएगा नागालैंड झारखंड उत्तराखंड जो है वो किस बेसिस पे बने थे कल्चरल एथेटिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पे राधर देन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज नेक्स्ट बात करते हैं क्या थी हमारी कंट्री की लैंग्वेज पॉलिसी इसको देखते हैं चलिए देखते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट मेड एनी लैंग्वेज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया हमारी कंट्री ने आज तक किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है क्यों नहीं दिया है कि हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेज बचा अगर एक को हम इंपॉर्टेंस दे देंगे तो ये बाकी लैंग्वेजेस के साथ अ, मतलब फेयर नहीं होगा आगे देखते हैं हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को ना ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है बिसाइड हिंदी हिंदी के अलावा हमारी कंट्री में ट्वेंटी वन अदर लैंग्वेजेस हैं जिसको एज शेड्यूल लैंग्वेज बाई द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन की गई हैं जो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट्स हैं उस पार्ट में हमारे उस पार्ट्स को बोलते हैं शेड्यूल ठीक है उस शेड्यूल में मैंशनड है ट्वेंटी वन लैंग्वेज बिसाइड सिंधी और हिंदी को जोड़ के बचा लो ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस हैं ठीक है स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट्स की भी अपनी अपनी भाषा होती है लाइक like महाराष्ट्र में मराठी होती है तो ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उनकी स्टेट्स की यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज स्टॉप्ड इन नाइनटीन सिक्सटी फाइव क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स आए थे हमारी कंट्री में उनकी लैंग्वेज क्या थी इंग्लिश लैंग्वेज थी तो हम लोगों को डर था कि कहीं वापस से ना ब्रिटिशर्स ना आ जाए और अपनी इंग्लिश थोप के ना चले जाए इसीलिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था हमने इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों ने ये डिसाइड किया था कि नाइनटीन तक हम किसी भी तरह से इस ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज को ख़त्म कर देंगे पर प्रॉब्लम क्या थी पता है तमिलनाडु स्टेट में बहुत एक वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया उन्होंने बोला नहीं इंग्लिश को नहीं आप हटा सकते हो क्योंकि हम लोगों को तो इंग्लिश आती है इन द सेंस तमिल लोगों को इंग्लिश आती है इस वजह से इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए अलाउ कर दिया गया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप फेडरल स्ट्रक्चर इन सब चीज़ों के साथ कैसे एग्जिस्ट कर रहा है हम ये पढ़ रहे हैं याद रखना ठीक है आगे बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप आफ्टर 1947 इंडिया हैड सेम रूलिंग पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 1947 के बाद बताए क्या हुआ था इंडिया में एक पार्टी थी जो लंबे समय से रूल कर रही थी समाइम्स द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट व अंडर माइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय क्या था 1947 के बाद जो पार्टी एक लगातार बनी हुई थी आपको भी पता होगा वो पार्टी कौन सी है ठीक है ओके उस पार्टी ने क्या किया था कि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए सारे तो पावर खुद रखना स्टार्ट कर दिए इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आई प्रॉब्लम आई तो लोगों ने भी डिसाइड किया स्टेट के लोगों ने कि बदला लिया जाएगा भाई का इसका उसका सबका बदला लिया जाएगा तो उन्होंने पता है क्या किया था गवर्नमेंट की जो जनता थी उन लोगों ने नेक्स्ट टाइम वोट देना ही वो ऐसे वोट दिया कि किसी को भी मेजोरिटी हासिल नहीं हुई मतलब कोई एक अकेली सरकार नहीं बन पाई इस वजह से क्या हुआ बहुत अलग 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 पार्टी के लोग मिल के, मिले और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई इसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट गठबंधन सरकार जब बहुत सारी अलग अलग पार्टी के लोग एक होते हैं एक होकर बैठते हैं एक होकर मिलकर अपनी पार्टी बनाते हैं एक पार्टी बनाते हैं उस पार्टी का नाम होता है कोलिजन गवर्नमेंट ठीक है एग्जाम्पल बीजेपी का अकेली पार्टी है एन डी ए को है दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ठीक है इसमें देखते हैं हम फिर क्या हुआ जब कोलिजन गवर्नमेंट बनी तो उनमें डर बैठ गया बच्चा लोग कि भाई अगर अपन ने स्टेट के साथ पावर शेयर नहीं किए तो क्या हाल होता है हमने देख ही लिया है तो लोगों ने स्टेट के साथ पावर शेयर करना डिसाइड कर दिया इसी के साथ क्या हुआ था इसी वक्त पे जब सब सारी चीजें हो रही थी उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपना एक ऐसा ऑर्डर दिया था जिसके थ्रू क्या हुआ जिसके थ्रू ये बोला गया कि नहीं अब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को पावर देगा नहीं देगा तो हम पनिश करेंगे ठीक है तो इस वजह से क्या हुआ था सेंट्रल ने स्टेट के साथ अपने पावर जो है शेयर करना और स्टार्ट कर दिया ठीक है आगे देखते हैं हम डिस इन इंडिया इसको ना शुद्ध हिंदी में वा क्या बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण <laughs> है ना देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है सेंट्रलाइजेशन मतलब सारे पावर एक तरफ हो जाना सेंट्रल के पास और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना आगे लिखा भी है वेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन जब पावर ले लिए जाए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मतलब थोड़े थोड़े पावर ले लिए जाए और किसको दे दिए जाए लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इस सिस्टम को क्या है? कहते हैं कहते हैं ठीक है अब अब बात आती है कि जो लोक तीसरा पन्ना पन्ना मैंने बोला था थर्ड हम खोलेंगे आखिरी में वो है लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट क्या होती है बच्चा लोग हमारी कंट्री में ना बहुत पॉपुलेशन थी अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले तो क्या किया स्टेट गवर्नमेंट बनाई कि हर एक एक स्टेट में स्टेट की गवर्नमेंट रहेगी तो वो प्रॉपरली हमको बता पाएगी लेकिन बात यह है कि हमारी कंट्री में इतने सारे गांव थे वहाँ तक स्टेट की गवर्नमेंट हर हर गांव के वासियों तक पहुँचे कि प्रॉपर नहीं हो पा रही थी ये थी चीज़ें ठीक है इस वजह से क्या हुआ एक लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई मतलब गांव के लिए और छोटे छोटे शहरों के लिए एक लोकल लेवल गवर्नमेंट बनाई जो वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको समझ सके उनकी जो मांग है उनको पूरा कर सके ये पहली थी म्युनिसपाली और सेकेंड वन है पंचायत इन दोनों में हम देखेंगे कैसे कैसे चीजें हुई म्यूनसिपालिटी इंक्लूड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत पंचायत इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटरमीडिएट पंचायत विलेज पंचायत आइए देखते हैं हम म्युनिसपालिटी को और आ, पंचायत को अच्छा इसके ऊपर ये देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी क्यों डिसन किया गया भाई जरूरत क्या पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की तो ये हो रहा था कि जो लोकल प्रॉब्लम है कैन बी बेटर सॉल्व एट द लोकल लेवल ये हमने बात अभी देखी कि लोकल लेवल जैसे गांव में कहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है कहाँ पे रोड कच्ची है ये सब चीजें कहाँ लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा बेटर पता रहेगी इंस्टीड ऑफ स्टेट की गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ सेंट्रल की गवर्नमेंट ठीक है तो इसके लिए लोकल लेवल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी तो लोकल प्रॉब्लम को पता कर सकती थी ठीक है नेक्स्ट आता है पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर जो लोग लो, उसी लोकल एरिया से जो लोग बिलोंग करेंगे उनको उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बेटर पता रहेगी ठीक है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी लोकल लेवल गवर्नमेंट की कि वहाँ की, की प्रॉब्लम तुरंत डिटेक्ट कर ली जाती थी वहीं के लोकलाइज लोगों के द्वारा ठीक है नेक्स्ट है बेस्ट वे टू रियलाइज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को ग्रास रूट तक पहुँचाना ग्रास रूट तक पहुंचाने का ये सबसे बेस्ट तरीका था इवन गांधी जी भी चाहते थे ना कि गांव-गांव तक हमारी बात पहुंचे, ठीक है गांव वाले क्या चाहते हैं ये सब चीजें इंक्लूड हो तो ये चीज गांधी जी का सपना भी लोकल गवर्नमेंट का इसी चीज से पूरा नहीं? पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन के थ्रू जब लोकल लेवल तक चीजें पहुंची तो लोग गांव के लोग थे वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते थे मतलब अपनी बात पहुंचा सकते थे अपने जो सरपंच वगैरह था साथ वो आगे बात पहुंचाता वो और आगे बात पहुंचाता इस तरह से वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे कौन गांव वाले ठीक है गांव वाले इन द सेंस की जो लोकल लेवल वाले गवर्नमेंट जिनके यहाँ थी नेक्स्ट है स्टेप्स टू वर्ड डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को प्रैक्टिकल बनाने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए थे आइए देखते हैं सबसे पहले तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली कि इलेक्शन होंगे लोकल लेवल ऑफ़ गवर्नमेंट के पहले पता है क्या था? पहले ना सिर्फ ये बोल दिया गया था कि ग्राम पंचायत होगी विलेज पंचायत होगी इसको constitution में mention है, सच नहीं किया गया था इसको सिर्फ हमारे आर्टिकल नंबर फोर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम यह देखा गया कि नहीं भाई लोकल लेवल की बहुत जरूरत है और इसको डालेंगे तो सब लोग मानेंगे ठीक है इसीलिए इसको 1992 में कुछ चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में और सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली मेंशन किया गया कि नहीं लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी और उसमें इलेक्शंस भी होंगे वो भी प्रॉपरली होंगे ताकि लोग मुझसे माने ठीक है तो ये पहला स्टेप लिया गया सेकेंड है सीट्स जो थी रिजर्व की गई रिजर्व की गई इलेक्टेड बॉडीज के द्वारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए क्लियर सीट्स जो थी इलेक्शन में रिजर्व की गई थी इससे क्या होगा सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द पोजिशन रिजर्व फॉर वुमेन वोमेन के स्टेप्स पढ़ रहे हैं हम ठीक है तो इसमें वन थर्ड जो पोजिशन थी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई थी नेक्स्ट है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन ठीक है स्टेट लेवल का एक इलेक्शन बॉडी तो ये देखेगा कि पंचायत के कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं कब कराने हैं किस वे में कराने हैं ठीक है ये सब के लिए एक बॉडी बनाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है तो ये हमारे डिसेंट्रलाइजेशन के लिए करने के लिए कुछ स्टेप्स थे कुछ पावरफुल स्टेप्स थे वो लिए गए थे ठीक है नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट ये मैंडेट कर दिया गया मैंडेटरी कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपने कुछ पावर्स लोकल लेवल को दे आगे फर्दर ठीक है तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या स्टेप्स लिए गए थे सबसे पहला था कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन uh, में इसको प्रॉपरली मेंशन कर दिया गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है नेक्स्ट है सीट्स रिजर्व कर दी गई एस सी के लिए ओ के लिए और इलेक्शन इन लोकल बॉडीज ठीक है वन थर्ड सीट रिजर्व कर दी गई फॉर वुमेन स्टेट की इलेक्शन बॉडी बनाई गई कंडक्ट तो पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन और स्टेट को बोला गया कि भाई तुम लोग अपना पावर शेयर करो इसके साथ लोकल लेवल के साथ आगे देखते हैं लोकल गवर्नमेंट एंड बॉडीज इन अर्बन एरियाज देखते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं अर्बन एरिया में कैसे वर्क करती हैं तो टाउन्स पे जो शहर होते थे वहाँ पे म्यूनिसपालीज होती थी उसके जो हेड होते थे वो म्यूनसिपल चेयरमैन उसके हेड होते थे वहीं बिग सिटीज़ जो होती थी वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती थी ठीक है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर जो था वो हेड होता था म्यूनिसपालीज़ क्या होती है नगर पालिकाएँ और नगर निगम ठीक है आगे हम बात करते हैं कि लोकल लेवल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया रूरल एरिया में क्या था कि पंचायत राज सिस्टम था जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है उसको एक नाम दिया गया है पंचायती राज सिस्टम ठीक है विलेज ये तीन लेवल में जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है उसको तीन लेवल में डिवाइड किया एक है विलेज लेवल पे दूसरा है ब्लॉक लेवल पे और थर्ड वन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर विलेज की बात करते हैं तो विलेज लेवल पे है ग्राम पंचायत फॉर्म बाय ग्राम सभा एंड हेडेड बाय सरपंच ठीक है नहीं समझ आया ना इसको एक बहुत अच्छे डायग्राम के थ्रू देखते हैं देखो विलेज में क्या होता है गांव की जो पंचायत है गांव का जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है उसमें उसको दो लेवल में डिवाइड किया है लेजिस्लेटिव दूसरा एग्जीक्यूटिव इसमें लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाते हैं वहाँ की ग्राम सभा ग्राम सभा में कौन रहते हैं हर वो इंसान जिस ग्राम मतलब विलेज का हर एक इंसान पार्टिसिपेट करता है जिसकी एज एटीन प्लस हो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पॉसिबल है इतने सारे लोग तो लो विलेज में बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं तो पॉसिबल हो सकता है कि एटीन प्लस के सभी लोग वहाँ पर इंक्लूड हों और मतलब वहाँ के कानून बनाएं एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाती है वो है ग्राम पंचायत ठीक है ग्राम पंचायत में क्या होता है कि जो पहले पूरा गांव है उसको कुछ वार्ड्स में डिवाइड किया गया है वार्ड्स मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया गया है और वहाँ से कुछ लोग अपने इलेक्टेड रिप्रजेंटेट को रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और 18 प्लस वाले सब वोट करते हैं और अपने अपने एरिए से कुछ लोगों को चुनते हैं जिसे कहते हैं पंच ठीक है और ये 18 प्लस वाले जो ग्राम सभा वाले लोग हैं वो सब मिल चुनते हैं सरपंच को और ये पंच और सरपंच मीटिंग बुलाते हैं और सब चीज़ें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाते हैं कहाँ पर गाँव पर ठीक है तो ये एक हमने नमूना देखा लोकल लेवल गवर्नमेंट का दैट इज ग्राम पंचायत का जो फॉर्म होती है ग्राम पंचायत बनती है ग्राम सभा से अब भी हमने देखा था ठीक है एक बार फिर से देखते हैं ग्राम पंचायत है ग्राम सभा ने बनाया ठीक है तो ग्राम पंचायत बनती है ग्राम सभा के द्वारा और उसको हेड किया जाता है सरपंच के द्वारा ठीक है इस तरह ये काम करती है पंचायत लेवल लोकल लेवल गवर्नमेंट एट विलेज लेवल ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक लेवल ब्लॉक लेवल क्या होता है चलो जब तो बहुत सारे गांव गांव मिलकर बहुत सारे गांव मिल मिलते हैं तो एक बनता है ब्लॉक ठीक है उसी ब्लॉक को बोलते हैं पंचायत समिति उसको इलेक्ट किया जाता है पंचायत के मेंबर्स के थ्रू ठीक है ये जो पंचायत के मेंबर्स थे वो लोग इलेक्ट करते हैं इसको बी को दैट इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक लेवल का हेड होता है फिर से बता दूं ब्लॉक क्या होते हैं बहुत सारे गांव मिलाकर बनते हैं ब्लॉक ठीक है और ब्लॉक ब्लॉक के मेंबर्स को हेड किया जाता सॉरी ब्लॉक के जो हेड होता है दैट इज बी उसको इलेक्ट किया जाता है इन पंचायत के मेम्बर्स के थ्रू ठीक नेक्स्ट बात आती है डिस्ट्रिक्ट की पहले हुआ विलेज फिर आया ब्लॉक और उसके ऊपर आया डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला जो विलेज और ब्लॉक से थोड़ा बड़ा होगा ठीक है इसका इसको बोलेंगे हम जिला परिषद जिला परिषद जो होता है वो फॉर्म किया जाता है इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एम एल डिस्ट्रिक्ट ठीक है इसको किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है और इसका हेड कौन होता है ज़िला चेयरमैन होता है ठीक है तो ये पूरा चार्ट शो करता है लोकल लेवल गवर्नमेंट को किस तरह लोकल लेवल गवर्नमेंट काम करती है लोकल लेवल गवर्नमेंट फिर से बता रही हूँ तीन लेवल पे काम करती है एक विलेज लेवल उसके ऊपर होता है ब्लॉक लेवल पे और थर्ड वन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ठीक है ओके नेक्स्ट देखते हैं हम आगे ठीक है सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्यों लोकल लेवल पे गवर्नमेंट का होना जरूरी है या क्या उसके इंपॉर्टेंस क्या उसके मायने है? हैं आइए देखते हैं लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया का बहुत बड़ा बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हम बोल सकते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट है कि लोकल लो, लोगों की बातें लोकल लेवल क्या लोकल के लोग क्या चाहते हैं ये सब लोक, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हमें पता चलता है नेक्स्ट है देर आर नाउ अबाउट थर्टी सिक्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनिसपालीज थर्टी सिक्स समझ रहे कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए हैं पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज है थर्टी सिक्स लाख तो कहीं ना कहीं की पॉपुलेशन होती है किसी कंट्री की और ये हमारे लोकल लेवल की हम बात कर रहे हैं बचा लोग ठीक है नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट हेज हैव डीप इन द डेमोक्रेसी हमारी डेमोक्रेसी और अच्छे से वर्क करी और डीप हुई किसके थ्रू किसके थ्रू लोकल लेवल गवर्नमेंट के ऐड हो जाने से ठीक है डेमोक्रेसी बहुत अंदर तक गई मतलब गांव तक पहुंची विलेज तक पहुंची और ब्लॉक समिति इन सब के तक पहुंची ठीक है सो नेक्स्ट इज वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा वुमेंस को एम्पावर किया उनकी वॉइस जो है वो बड़ी ठीक है वॉइस हैज़ इंक्रीज मतलब उनको उनकी वॉइस को दम मिला उनकी बातें वो रख सकी क्योंकि उनके लिए सीट्स क्या है रिजर्व थी कहाँ पे लोकल लेवल गवर्नमेंट में नेक्स्ट है क्या डिफिकल्टीज हैं जो लोकल लेवल गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही है ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं एग्जाम में तो फर्स्ट वन इज ग्राम सभा इलेक्शंस आर नॉट रेगुलरली हेल्ड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा लोग कि ग्राम सभा के इलेक्शंस जो है वो प्रॉपरली हो नहीं रहे हैं ठीक है और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं हो रहे हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या है नेक्स्ट है मोस्ट स्टेट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू लोकल गवर्नमेंट स्टेट्स लोगों ने बचा क्या किया है लोकल लेवल के साथ अपने पावर शेयर नहीं किए हैं प्रॉपरली नहीं किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है लेकिन वो लोग पता नहीं क्यों नहीं मान रहे हैं ये स्टेट नहीं चाह रहा अपने पावर को कम करना ठीक है स्टेट्स हैव नॉट गिवन एडिक्वेट रिसोर्स स्टेट्स ने लोकल लेवल गवर्नमेंट को रिसोर्सेज भी प्रोवाइड नहीं किए हैं जो चाहिए हैं उनको वर्क करने के लिए लोकल लेवल गवर्नमेंट को बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं काम करने के लिए ठीक है जो स्टेट